इन दिनों मौत का स्कूल चल रहा है, निर्माण के मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से स्कूल चल रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। बलरामपुर में मानक और मान्यता विहीन स्कूलों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। कोई भी कहीं भी प्राइवेट स्कूल खोलकर उसे कमाई का जरिया बना रहा है। बस जरूरत है शिक्षा अधिकारियों से थोड़ी सांठगांठ की और आपका स्कूल चलता रहेगा। ऐसे ही एक विद्यालय बीडी शिक्षा निकेतन शिक्षा क्षेत्र तुलसीपुर के ग्राम जुंगली गुरचाही में चल रहा है, जिसे अगर मौत का स्कूल कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं। प्राइमरी विद्यालय भवन निर्माण के मानकों को ताक पर रखकर मैच एक चार दीवारी के बीच स्कूल चलाया जा रहा है। इस स्कूल पर छत भी नहीं है, छत के लिए नाम मात्र का टीन शेड लगाया गया है, वो भी तेज हवा के झोंके से उड़ ना जाए इसलिए रेत से भरी बोरियां उस पर लाद दी गई है। मैं 4 इंच की दीवार पर टिका ये स्कूल सैकड़ों बच्चों की मौत को दावत दे रहा है। स्कूल की दीवारें इस कदर कमजोर है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूरे मामले पर जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया तो महज औपचारिकता पूर्ण करते हुए उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वास्तव में जिले में चल रहे ऐसे विद्यालयों की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जानकारी नहीं है या साठगांठ के चलते ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर समाजवादी पेंशन है, इसके बाद तत्काल हम इसकी कल जांच करेंगे स्वतः, और अगर मान्यता विहीन है, मान्यता के बिना चल रहा है तो कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। विद्यालय विद्यालय हमारा संचालन जो है कक्षा 1 से 5 तक हो रहा है और जिसकी संख्या 102 है। ये नहीं मान्यता, आपने मान्यता के लिए आपने कहाँ अप्लाई किया? मान्यता के लिए सर बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ हमने अपने फाइल लगाई है। जी फाइल लगाई है। तो नियमता है, आप मानते हैं कि आप गलत कार्य कर रहे हैं? हाँ सर, गलत तो वही है फिलहाल के लिए, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं सर कि वो हमारी बिल्डिंग जो है अनुसान में थोड़ा बनवाया गया है और हम विचार कर रहे हैं थोड़ा जो है उसको हम जल्दी उसको। तो डीबी शिक्षा निकेतन रेलवे क्रॉसिंग के पास ये स्कूल है। स्कूल देखिए किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा है। बहुत ही कमजोर दीवार है, ऊपर टीन का शेड बनाया गया है, जो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है तेज बारिश के कारण या फिर हवाओं के कारण। लेकिन वहां के शिक्षा अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि स्कूल के जो मालिक हैं वो आर्थिक लाभ के लिए इस तरह के स्कूल शुरू कर देते हैं या फिर चालू कर देते हैं शिक्षा अधिकारी से बातचीत करके, यानी कि सांठगांठ करके। लेकिन ऐसे में बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। क्यों नहीं जो मानक है स्कूल बनाने के लिए या फिर स्कूल निर्माण के लिए वो पूरा किया जाता है। सुशील मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुशील, आपने जब स्कूल के मालिक से बातचीत की, क्या कुछ कह रहे थे वो? जी विद्यासागर जी, आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी प्रबंधक से बात हुई तो उन्होंने कहा विद्यालय देख लीजिए, विद्यालय का भवन देख लीजिए, सब कुछ मानक के अनुरूप बना हुआ है। शायद उन्हें खुद ही नहीं पता था कि विद्यालय का मानक क्या है एक प्राइमरी विद्यालय का। जब हमने इसका विजुअल बनाया तो मौके पे हमको प्रिंसिपल वहाँ के मिले, प्रधानाचार्य से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ कि ये मानक के विपरीत बना हुआ है, बच्चों की जान को खतरा है, फिर भी मैं यहाँ प्रिंसिपल बना हुआ, मतलब इतनी बेशर्मी के साथ ये बयान दे रहे थे। और अल्लाह अधिकारियों का कोई खौफ भी नहीं था कि हमारे ऊपर भी ऐसे कोई कार्रवाई कर सकते हैं या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ इसके लिए मैं जेल भी जा सकता हूँ। करीब 102 बच्चों की स्ट्रेंथ है इनके स्कूल में और 102 बच्चों की जान लगातार खतरे में पड़ी हुई है। अभी हाल ही में भूकंप आ रहे थे, यदि कोई ऐसा झटका आता है, बड़ा झटका आता है, तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि विद्यालय का भवन कितना कमजोर है और मात्र एक झटके से ही ये गिर सकता है। छत के नाम पे महज एक टीन शेड लगा दिया गया है और टीन शेड भी इतनी हल्की है कि उसको रोकने के लिए रेत रेत से भरी बोरियां उसके ऊपर रखी गई हैं जिससे वो टिका रहे। जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की आपने इस मामले में? जी विद्यासागर, जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की आपने? जी बिल्कुल, बेसिक शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई। पहले तो वो बाइट देने को तैयार ही नहीं थे, जो कि अधिकारियों का नियम हो चुका है सपा सरकार में कि लीपापोती की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम बाइट नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब के न्यूज के कैमरे ने उनको कवर करना शुरू किया तो औपचारिकता में उन्होंने ये कह दिया कि
की बस जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। ये जांच कब की जाएगी, जांच किसको दी जाएगी, कार्रवाई कब की जाएगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सुशील, सबसे अहम सवाल ये है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा बच्चे हैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए, निजी विद्यालय है ये, और पैसे ले जाते हैं, हर महीने फीस वसूली जाती है, क्या आसपास में कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहां बच्चे के लिए पढ़ने जाते हैं? जो बच्चे के परिजन हैं वो क्यों भेज रहे हैं ऐसे स्कूल में? प्राथमिक पाठशाला है आसपास में, वहां भी बच्चे जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में लोग इसको स्कूल को बिजनेस बना चुके हैं। ऐसा बताते हैं कि हमारे स्कूल में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर बैठे रहते हैं, महिलाएं ऊन और स्वेटर बीना करती हैं, ऐसी अफवाहें फैलाकर ये अपने विद्यालय को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विद्यालय में एक खास बात और है विद्यासागर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप तस्वीरों में देखेंगे तो बच्चों को बैठने के लिए बेंच और कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं की गई है, कोई भी बेंच नहीं है। बच्चे अभी भी जमीन पर बैठ के पढ़ाई करने को मजबूर है, जबकि ये फीस देते हैं, उस फीस की रसीद में ये शुल्क भी लगा रहता है कि आज जिससे आप बैठेंगे वो बेंच की सीट भी जुड़ी रहती है, पंखे का शुल्क जुड़ा रहता है, तमाम सारे शुल्क लगा के ये मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था इनको नहीं दी जा रही है, महज खाना पूर्ति के नाम। आपने तो इन बच्चों की भलाई के लिए या फिर इनके सुरक्षा को लेकर आप हमें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की कि ऐसे जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के मालिक हैं, जो चलाते हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए, जो पैसे के लिए, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि परिजन जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, परिजनों से हमारी बात नहीं हो सकी है, लेकिन बच्चों से हमने बातचीत की थी कि आप यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं, उस विद्यालय में क्यों नहीं जाते हैं जो सरकारी विद्यालय है आपके आसपास का, वहाँ तो भोजन भी मिलता है, सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं दे रही है, आजकल बुधवार को दूध और कोफ्ता चावल की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों ने बताया कि पिताजी ने हमको जहाँ लिखा दिया नाम, हम वहाँ पढ़ने को तैयार हैं, और हमें इतनी जानकारी नहीं है कि हम कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें। अब क्या क्या मोटिवेशन चला इन लोगों का, कैसे बच्चों को और उनके परिजनों को मोटिवेट करके इन्होंने 102 की स्ट्रेंथ बनाई, वो भी इस स्कूल में जहाँ की ना भवन है ना बेंच है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, ये एक सिंडिकेट टाइप का काम। आप लगातार आप ये बातें कह रहे हैं कि वहाँ पर व्यवस्थाएं उचित नहीं है। हम भी तस्वीरों में देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से जमीन पर बैठे हुए हैं, किताब लेकर और पढ़ रहे हैं वहां पर, लेकिन इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। जहां तक सरकारी स्कूल की बात कर लीजिए, जैसे कि आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो निजी स्कूल के जो प्रबंधक है, जो मालिक है, लगातार ये अफवाह फैलाते हैं या बातें कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये लगातार हम सवाल उठाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है वो दिन ब दिन इसलिए गिर रहा है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाते हैं और वहां पढ़ाई नहीं होती है। क्या आसपास के जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल जो है, वहां पर वाकई में पढ़ाई ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, और इसलिए बच्चे वहां नदारद हैं, बच्चे नहीं जाते हैं और मजबूरन बच्चों को निजी विद्यालय का सहारा लेना पड़ रहा है? ये बिल्कुल विद्यासागर आपको बताना चाहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आसपास विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है, लगभग 70% बच्चों की उपस्थिति मौजूद रहती है, वहाँ पे उनको यथासंभव जो भी सरकारी लाभ मिलता है, दूध हो, कोफ्ता चावल हो या फिर भोजन की व्यवस्था, वो कराई जाती है। लेकिन ये मोटिवेशन चल रहा है कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे, ऐसी अफवाहें फैला के इन छोटे छोटे विद्यालयों को जो एक सिंडिकेट टाइप के काम कर रहे हैं, अधिकारियों के संरक्षण में पूरा संरक्षण रहता है कि आप खोल लीजिए, चलाइए, एक हिस्सा हमको देते रहिए बस। इसमें सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रिंसिपल ने किस तरह शिकायत के बाद भी अधिकारी जो हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की बात नहीं की। जी बिल्कुल, औपचारिकता में जो एक बयान होता है मीडिया के सामने की, अगर मीडिया आ गई है तो एक बयान देना है कि जांच होगी, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ये कार्रवाई कब की जाएगी इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से निजी विद्यालय का जो निर्माण किया गया है वो बेहद कमजोर है और वहां पर 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी परिजन मजबूर हैं।